गाइस पार्क जाना किसको नहीं पसंद है। तो गाइस वही हम आज अपने बोकारो का पता करने वाले हैं कि पार्क का जितना भी जो रेटिंग है क्या रेटिंग हुआ है, मतलब किस टाइप का सब लोग गए हैं, क्या रेटिंग दी है इस पार्क का, जो इतना भी खराब बहुत कोई दिए हैं बहुत ही अच्छा भी देते हैं। गाइस वही हम पता करने आज हम आए हैं अपने बोकारो का पूरा पार्क एक्सप्लोर करने और पता करने की क्या है उस पार्क में और क्या है उसका रेटिंग। तो चलिए आज पता करते हैं और स्टार्ट करते हैं फ्री पार्क से। पहले ये है पहला पार्क जहाँ पे एंट्री तो फ्री है, बट यहाँ का रिव्यू क्या है पता करते हैं। गाइस एक रिया है जो यहाँ के पिकनिक मतलब यहाँ के पार्क के बारे में बोल रही है, गुड प्लेस फॉर एंजॉय और पिकनिक, मतलब यहाँ पे जो पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा पार्क है। आ गया सिटी पार्क का पिकनिक स्पॉट, तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे स्पॉट्स पार्क से बहुत अच्छा है, मतलब पिकनिक स्पॉट बहुत ही अच्छा है देखने में, बहुत छोटा सा स्पेस है और पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा जगह है और यहाँ पे बहुत अच्छा सा नेचर भी है। तो इनका जहाँ तक रिव्यू है बहुत अच्छा है और देखते हैं और क्या क्या है इनका जो बोल रहे हैं बोटिंग के लिए, तो भी चेक करते हैं क्या है बोटिंग के लिए यहाँ पे, बोटिंग वोटिंग होता भी है कि नहीं होता है, तो चलिए देखते हैं वो भी चेक करते हैं रिव्यू। ये रिव्यू इनका पास हुआ, देखते हैं और आगे। बहुत ही अच्छा है और देख सकते हैं यहाँ पे बोटिंग भी हो रहा है और काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे पार्किंग के लिए और आपको इंजॉयमेंट के लिए और पीसफुल के लिए बहुत अच्छा जगह है। गाइस यहाँ पे वाकई इको फ्रेंडली तो है पार्क, काफ़ी ज़्यादा नेचर अच्छा है यहाँ का, जिसकी वजह से काफ़ी शांति भी है, मतलब हर टाइप से पार्क अच्छा है, फ्री भी है, तो इनका रियली में रिव्यू अच्छा है। तो इसलिए गाइस यही पता करने हम आ चुके हैं तीसरा पार्क, ये है अपना नेहरू पार्क, जो कि बहुत ही जानते इस पार्क को, बोकारो जितने लोग यहाँ जानते होंगे। गाइस इस पार्क का भी रिव्यू है, एक पूजा कुमारी के इसमें रिव्यू दी है, बोली है कि इस पार्क में बस एक बार विजिट कर सकते हैं, दोबारा अगर विजिट करते हैं तो ये कुछ खास नहीं है, मतलब इसको मेंटेनेंस का बहुत ही जरूरत है। तो वही हम पता करने अब हम जाने वाले हैं अंदर, देखने वाले हैं रियली में ऐसा कुछ है या नहीं, तो देखते हैं पता करते हैं अंदर में। हमको पड़ा ये टिकट 20 रुपये का और 20 रुपये का लाया कि पार्क ये है कि नहीं, वही हम पता करते हैं और रिव्यू का भी आज हम चेक करेंगे। यहाँ पे अभी बायोलॉजिकल पार्क की तो यह ठीक है और यहाँ जूलॉजिकल पार्क के बारे में क्या है वो भी पता करेंगे। जो बायोलॉजिकल पार्क दिखाया जाए तो बहुत सारा पेड़ पौधा है यहाँ पे, उसके लायक यहाँ पे ये ठीक है, बाकी सब कुछ यहाँ पे और देखते हैं आगे क्या मेंटेनेंस यहाँ पे है या नहीं है, जानवर है कि नहीं यहाँ पे, तो वो भी पता करेंगे, उनका रिव्यू सच है या खराब है वो भी पता करेंगे। भाई अभी देख सकते हो यहाँ पे ट्रेन था, ट्रेन अभी है मतलब इंजन से बचा हुआ है यहाँ पे, और इधर देख सकते हैं प्लेटफॉर्म जो कि पूरा जंगली हो गया, पूरा खराब हो चुका है। तो वाकई में लगता है कुछ इनका रिव्यू वाकई में सही है, मेंटेनेंस जरूरत है इस पार्क में। और अभी बोगी अलग है, इंजन अलग है फिलहाल, तो और भी देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे मेंटेनेंस की जरूरत है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो भी हम पता करेंगे और उनका रिव्यू वाकई में सही है कुछ, और भी देखते हैं क्या है, जानवर भी है कि नहीं यहाँ पे। हमको दिख रहा है कि बहुत सारा चिड़िया है, अब वाकई में यहाँ पे पिंजरा में है कि नहीं है वो भी हम पता करते हैं, चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहीं पे बगल में देखते हैं यहाँ पे पिंजरा है, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ जानवर दिख नहीं रहा है, पक्षी नहीं दिख रहा है, क्या देखते हैं सब छुपा उपा हो, देखते हैं कहीं तो दिख नहीं रहा है दूर दूर तक, कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा एकदम खाली है, लग रहा है किसी पिंजरा जो जेल का होता है वैसा ही लग रहा है, जेल में भी कैदी होता है बट यहाँ तो वो भी नहीं है। यहाँ पे हमको गिन्नी फॉल लिखा हुआ दिख रहा है बट गिन्नी फॉल यहाँ पे हमको कोई बर्ड्स नहीं दिख रहा है, कोई पक्षी नहीं दिख रहा है, क्या पता वाकई में इनविजिबल हो यार दिखता है। तो यहाँ देख सकते हो लंगूर जो कि यहाँ पे कुछ नहीं है अंगूर, तो यहाँ पे देख सकते हो इतने ज्यादा मेरा दोस्त लोग मिल जाएगा, मेरे दोस्तों को आप देख लीजिएगा तो आप खुश हो जाइएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है लंगूर के नाम पे, अंगूर दिख रहा है बस दो तीन को दिख रहा है, कुछ है नहीं फालतू का, बस टाइम बर्बाद पैसा बर्बाद। देखते हैं और क्या मिल सकता है, शायद कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए देखते हैं लाइक, जिससे पैसा वसूल हो जाए, देखते हैं क्या है। गाइस यहाँ देखते हैं हिमालय ब्लैक बियर दिख रहा है आपको, बस यहाँ पर थोड़ी पोस्टर ही देखने को मिल सकता है, जानवर तो देखने को नहीं मिलेगा ऐसा हमको लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, बाकी हमको लगता कुछ है नहीं यहाँ पे, तो देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। फाइनली मुझे दो भालू दिख रहा है वहाँ पे, देख सकते हो आप लोग वहाँ दो भालू बैठे हुए हैं और काफ़ी रिलैक्स बैठे हैं एकदम, बस यही मुझे को दिखा अभी तक पूरा का पूरा पार्क में, दो भालू और कुछ जानवर हैं बस यही है और कुछ है नहीं। अंदर भी है बुला रहा है। हाँ यहाँ पे सांप देखने को नहीं मिल रही बट सांप की जगह सांप के पिंजरे में मुर्गी जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते बेचारा सुकुड़ के बैठा हुआ है, आप कितना बेचारा डर के बैठा हुआ है, बट यही है जो है रिव्यू के नाम मतलब पार्क के नाम पे शून्य कुछ नहीं है, और इसको रेटिंग हम मेरे हिसाब से रेटिंग इसको तो एक एक तो दे देते हैं
इसको रेटिंग मिलता है सही में, रेटिंग लाइक भी ये मतलब पार्क है ही नहीं उनका, एकदम रेटिंग जो है उनका जो रिव्यू बहुत सही है। यहाँ पार्क के नाम पे जानवर के नाम पे कुछ है नहीं, बस जंगल है। तो देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ा सा जंगल दिख रहा है, सिर्फ जंगल ही जंगल चारों तरफ, और जानवर के नाम पे तो बहुत कम आपको जानवर देखने को मिला है, कुछ है नहीं जानवर। और यहाँ पिंजरा में कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है, तो सिर्फ जंगल है यहाँ, सिर्फ बायोलॉजिकल पार्क बोल सकते हैं इसको, उसके लायक ठीक ठाक है, कुछ एवरेज है लेकिन और कुछ नहीं है, बस यही है पार्क। हम एक और पार्क में आ गए जैसे यहाँ पर लगता है पैसा, तो यहाँ पे एक आदर्श कुमार का रिव्यू है, बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइटिंग वाइटिंग बहुत यहाँ का अच्छा है, और यहाँ पे जो है फोटो भी अच्छा आता है, तो ये भी देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। चलेंगे अंदर गाइस, यहाँ का एंट्री फी 10 रुपये लग रहा है, और शाम के टाइम भी चलते हैं, शाम के टाइम भी आ गए हम, देखते हैं लाइटिंग क्या क्या सीन है यहाँ पर, पार्क कैसा है, देखते हैं इनका रिव्यू कैसा है, अच्छा है कि नहीं, देखते अंदर। सो गाइस, तो हम लोग यहाँ पे दो शॉर्ट्स लिए, एक डे और एक नाइट, क्योंकि दोनों ही फोटो बहुत अच्छा है, नाइट जो ज्यादा बेस्ट है, तो दिखाते हैं आपको। और गाइस, तीनों पार्क में आपको कौन सा पार्क सबसे बेस्ट लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। शाम हो चुका है और लाइटिंग का भी प्रोग्राम हो चुका है, मतलब लाइट वो सब जल चुका है, तो अब देखते हैं लाइट में फोटो शूट वाकई यहाँ अच्छा आता है, उनका रिव्यू सही होता है, देखते हैं क्या होता है, वाकई में अच्छा देखने में लग रहा है, देखते हैं फोटो शूट कैसा आता है। चलिए हम तो बैठे सो गए थे, मतलब क्या करते जाते हैं, चलते देखते हैं क्या आता है। मैंने आदर्श का भी कमेंट देखा, मतलब रिव्यू देखा, बहुत ही अच्छा था, तो हमने पार्क भी विजिट कर लिए, पार्क भी बहुत अच्छा था, उनके रिव्यू के हिसाब से पार्क भी अच्छा है, कोई इसमें डाउट नहीं है, फोटो शूट के लिए बाकी अच्छा फोटो प्लेस है यहाँ पे, लाइटिंग वाइटिंग देखा जाए तो सब कुछ परफेक्ट है, और फोटो के लिए शूट बहुत अच्छा जगह है, मतलब पार्क आप इतने 12 रुपये में एक पर पर्सन अच्छा प्लेस है ये फोटो शूट के लिए, इस रिलेसमेंट के लिए थोड़ा सा, तो उनका रिव्यू 5 में से 4 बनता है, तो रिव्यू बहुत अच्छा है। तो गाइस, मेरे वीडियो को आप लाइक करो, ऐसे कमेंट करो कैसा आपको अच्छा लगा ये पार्क, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर अच्छा से करेंगे, तो आप वीडियो को कमेंट करो और लाइक करो, ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।